बंग महिला श्रीमती राजेंद्रवाला घोष की कहानी दुलई वाली पर चर्चा करने से पहले हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास पर विचार करना वांछनीय है। हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा के विकास में एक नितांत नवीन दिशा है। यद्यपि आधुनिक कहानी की कथात्मकता की झलक इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित लल्लूलाल रचित सिंहासन बत्तीसी बैताल पच्चीसी माधवानल कामकंदला शकुंतला प्रेमसागर सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान जटमिल की गोरा बदल की कथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत इत्यादि मौलिक और अनुवादित कथा ग्रंथों में मिलती है। कहानी के इस प्रारंभिक काल में कहानियाँ प्रायः दो स्रोतों से संबंधित थी, एक संस्कृत कथा या लोक प्रचलित मौखिक कथाओं का स्रोत, दूसरा उर्दू फारसी की कहानियों का स्रोत। पहले में संस्कृत की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के अनुवाद तथा शुक बहत्तरी सारंगा सदाब्रज किस्सा तोता मैना किस्सा साढ़े तीन यार किस्से ये चार यार आते हैं और दूसरे में बागो बहार किस्सा हातिम ताई चहार दरवेश दास्ताने अमीर हमजा तिलस्म होशरुबा जैसी कहानियाँ रखी जा सकती हैं। इस प्रकार इस समय के जादू कुतूहल और वासनामूलक प्रेम की कहानियाँ ही भारतीय जनता का मनोरंजन कर रही थी, किंतु पाश्चात्य संस्कृति तथा उसके भौतिक दृष्टिकोण के प्रसार राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक आंदोलन व्यक्ति स्वातंत्र्य की वृद्धि गद्य के प्रचार मुद्रण की सुविधाओं और पत्रों के इस युग में हिंदी प्रदीप सरस्वती और सुदर्शन के प्रकाशन से कथा साहित्य में अभूतपूर्व क्रांति हुई। यद्यपि प्रारंभ में हिंदी प्रदीप में कात्यायन वररुचि की कथा उपकोशा की कथा सुदर्शन में पौराणिक आख्यान और सरस्वती में रत्नावली मालविका अग्निमित्र कादंबरी सिम्बलिन एथेंस का टाइमन पेरिक्विज कॉमेडी ऑफ एरर अर्थात कौतुकमय मिलन जैसी देसी विदेशी कहानियों कवियों नाटकों के अनुवाद ही प्रकाशित हुए, किंतु सरस्वती में सन 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई जो परंपरागत अनुदित या तथाकथित मौलिक कहानियों से सर्वथा भिन्न प्रकार की थी। यद्यपि इस पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट तथा किसी राजपूत कहानी का प्रभाव माना गया है, किंतु शिल्प की दृष्टि से यह एक नवीन कहानी थी। इसके पश्चात कुछ समय तक रूपांतरित और अनुवादित कहानियों का बाहुल्य रहा। बंगला से कहानियों के अनुवादकों में गिरिजा कुमार घोष लाला पार्वती नंदन तथा बंग महिला का प्रमुख स्थान है। सुदर्शन में माधव मिश्र पौराणिक आख्यायिकाओं के अनुवाद कर रहे थे। इन अनुवादों के अतिरिक्त हिंदी में छंदोबद्ध कहानियाँ भी लिखी गई जिनमें न तो विषय का आदर्श था और न शैली का निश्चित रूप। जम्बू की न्याय 99 का फेर नकली किला कुलीनाथ पांडे विद्या विहार इत्यादि इसी शैली की रचनाएं हैं। इसके साथ प्रारंभ में बंग भाषा के गल्प की शैली का भी अनुकरण हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी की गुलबहार मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी इत्यादि आधुनिक कहानी के निकट हैं, किंतु इनमें से कुछ विदेशी शैली की हैं, कुछ जीवन स्केच इतिहास अथवा निबंध के निकट हैं। कहानी शिल्प का सौंदर्य इनमें नहीं है। बंग महिला की दुलई वाली सरस्वती में सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई जो हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी है और दूसरी इंदू में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम है। सन 1911 ईस्वी में ही भारत मित्र में
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन कहानी भी प्रकाशित हुई। सन 1912 ईस्वी में इंदु में प्रसाद की रसिया बालम, जी पी श्रीवास्तव की कहानियाँ, सरस्वती में विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, सन 1913 ईस्वी में और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी के प्रारंभिक रचनाकारों में बंग महिला अर्थात श्रीमती राजेंद्र बाला घोष का स्थान सर्वोपरि है। समझा जाता है कि आपका जन्म सन 1871 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आपके पिता मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगाली महाशय श्री रामप्रसन्न घोष थे। आपकी माताजी श्रीमती नीरदवासिनी घोष भी साहित्यिक रुचि की एक धार्मिक महिला थी। सन 1858 में आपके पूर्वज चंदननगर बंगाल, जिसे चंद्रनगर भी कहा गया है, से आकर वाराणसी में बस गए थे। राजेंद्र बाला के जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात आपका परिवार मिर्जापुर चला गया था। आपके पिता जार्डन कंपनी में एक उच्च पद पर आसीन थे। मिर्जापुर में रहते हुए उन्होंने चार गांवों की जमींदारी भी ले ली थी। वे एक रईस होने के अनंतर विद्यावसनी और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होने और पर्दा प्रथा के कारण राजेंद्र बाला घोष, जिनका बचपन का नाम रानी और चारूबाला भी था, की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माँ नीरदवासिनी घोष के संरक्षण में संपन्न हुई। आपका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ, जो मिर्जापुर की जार्डन कंपनी में काम करते थे। सन 1904 से ही राजेंद्र बाला घोष की हिंदी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आने लगी थी। बंगला की पत्र पत्रिकाओं में भी वे प्रवासिनी नाम से लिखा करती थी। सन 1904 से 1917 तक राजेंद्र बाला घोष अनवरत लिखती रही थी, परंतु इसी बीच अपनी दो संतानों के असमय निधन और सन 1916 में पति पूर्णचंद्र देव की मृत्यु ने आपको झकझोर कर रख दिया। इस सदमे को बर्दाश्त न करने के कारण आपकी वाणी मौन हो गई और साहित्य सृजन से आपने वैराग्य ले लिया। भाइयों और उनके परिवार के बीच रहते हुए राजेंद्र बाला ने 24 फरवरी सन 1949 को मिर्जापुर में ही अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बंग महिला को प्रायः हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी के आरंभिक दौर के कहानीकारों के बीच रखा जाता है और इसका आधार बनती है उनकी कहानी दुलई वाली, जो सन 1907 में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। दुलई वाली कहानी बंग महिला को हिंदी इतिहास में स्थापित करने के साथ साथ उन्हें एक प्रौढ़ रचनाकार के रूप में भी स्थापित करती है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय भी दिया जाता है। बंग महिला ने सर्वप्रथम सन 1904 में अपने लेख हिंदी के ग्रंथकार के द्वारा साहित्य समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह लेख पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित और जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका समालोचक में छपा था। इस लेख के माध्यम से आपने उस युग के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को निर्भीकता के साथ चुनौती दी और साहित्यिक छद्म का निडरता से पर्दाफाश किया। हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष के संपूर्ण रचना संसार को क्रमशः 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं: मौलिक कहानियां, निबंध, कविताएं, अनुदित साहित्य तथा सामाजिक साहित्य। बंग महिला ने संख्या की दृष्टि से कम किंतु कुछ मौलिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें सन 1907 में सरस्वती में प्रकाशित दुलई वाली, सन 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित भाई बहन तथा सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हृदय परीक्षा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। आपका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ था।
आपने अनेक निबंध भी लिखे हैं, ये हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, हिंदी के ग्रंथकार, स्त्रियों की शिक्षा, संगीत और सुई का काम, हमारे देश की स्त्रियों की दशा, श्रीयुत रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी एमए, जोधा भाई तथा गृहचर्या आदि। आपके द्वारा अनुदित साहित्य में मुरला, जो श्री नारायण दत्त दास सेन की बंगला औपन्यासिक कृति का अनुवाद है, के साथ साथ बंगला कहानी मन की दृढ़ता, रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगला कहानी दालिया, नीरद वासिनी घोष की कहानी कुंभ में छोटी बहू, देवेंद्र कुमार राय की औपन्यासिक आख्यायिका का अनुवाद तिल से ताड़, कुसुम संग्रह से संसार सुख, देवेंद्र कुमार सेन की कहानी मातृहीना सखा और साथी की अपूर्व प्रतिज्ञा का पालन, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगला आख्यान दान प्रतिदान, श्रीमती लावण्य प्रभा सरकार के प्रबंध का भावानुवाद पति सेवा, रामानंद चट्टोपाध्याय का लेख अंडमान द्वीप के निवासी, प्रवासी में प्रकाशित लेख का अनुवाद नीलगिरिस पर्व के निवासी तोड़ा लोग, वैकुंठनाथ दास का बंगला लेख नारी रत्न भगवती देवी, जलधर सेन का अबुल फजल तथा बंकिम बाबू द्वारा लिखित प्रहसन का अंशानुवाद, रामायण की समालोचना आदि अनुवाद भी आपने बहुत कुशलता के साथ किए हैं। अपने अंतिम दिनों में बंग महिला ने बांग्ला भाषा में अनेक कविताएं लिखी, उनमें प्रमुख है पूजा, फूल, अतिथि, उपेक्षा, भूल जाओ, उपदेश, स्मृति आदि। ये कविताएं एक लघु पुस्तिका के रूप में इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुई। आपने कुछ कविताएं रविन्द्रनाथ टैगोर के निधन पर भी लिखी हैं। आपके संपूर्ण रचनाओं का एक संकलन भावदेव पांडेय के संपादन में बंग महिला रचना समग्र के नाम से तथा पंडित सुधाकर पांडेय के खोजपरक संपादन में बंग महिला ग्रंथावली शीर्षक से सन 1990 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसी भी कहानी की समीक्षा कहानी के छह तत्वों के आधार पर की जाती है। ये छह तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और परिस्थिति, भाषा शैली और उद्देश्य। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, जो वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का प्रारंभ काशी से होकर इलाहाबाद तक की यात्रा में समाप्त होता है। कहानी मनोरंजन प्रधान है, जिसमें कहानी का नायक वंशीधर मुगल सराय से लेकर इलाहाबाद तक जाने वाली रेल में अपने मित्र नवल किशोर को खोजता रहता है और अंत में एक बूढ़ी औरत का स्वांग रचा हुआ नवल किशोर जब अपने मुंह से दुलही हटाकर अपना चेहरा दिखाता है, तो वहाँ एक अनिर्वचनीय आनंद और कौतुक का दृश्य उभर कर सामने आता है। फिर सब मिलकर हंसते बोलते हुए इलाहाबाद में एक साथ अपने अपने घर जाते हैं। आलोच्य कहानी की कथा वस्तु बहुत साधारण है, किंतु इस कथा की घटनाओं को रचनाकार ने बहुत सुंदर ढंग से नियोजित कर औत्सुक्य की सृष्टि कर दी है। अंत तक यह कौतूहल बना रहता है कि नवल किशोर और उसकी पत्नी कहाँ रह गए। अंत में कौतूहल का समाधान होने पर रचनाकार के विवेक और उसकी मौलिक कल्पनाशीलता की कुशलता का परिचय मिलता है। आलोच्य कहानी की ऐतिहासिकता का आधार न तो प्रख्यात है और न ही मिश्र। यह कहानी मौलिक और कल्पनाश्रित है। कथा वस्तु में कार्य की अवस्थाओं के आधार पर दुलई वाली नामक कहानी का विकास, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम नामक पांच बिंदुओं के स्थान पर प्रारंभ, चरम सीमा और फलागम नामक तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। कहानी का प्रारंभ होता है काशी के दशाश्वमेघ घाट से, जहाँ से स्नान करके एक मनुष्य, जो कहानी का नायक वंशीधर है, बड़ी विग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा है। उसके हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती
और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया भी है। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ की गली के भीतर की एक और गली में थोड़ी दूर पर बने हुए टूटे हुए से पुराने मकान में वह जाता है। वहां जाने पर वह सीता को आवाज देता है। सीता उसकी साली है। वंशीधर इलाहाबाद का रहने वाला है। बनारस अर्थात काशी में उसकी ससुराल है। वह अपनी पत्नी को विदा कराने आया है। उसके ससुराल में एक साले साली और विधवा सास के अतिरिक्त और कोई नहीं है। नवल किशोर उसके दूर के नाते का ममेरा भाई है, पर दोनों में रिश्ते की तुलना में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों मित्र हैं, इसलिए हंसी मजाक इन दोनों के बीच में चलती रहती है। जब वंशीधर अपनी साली सीता के माध्यम से अपनी पत्नी जानकी देवी को बाहर बुलाकर यह कहता है कि हम लोगों को आज ही जाना होगा, यह सुनकर आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाते हुए उसकी पत्नी प्रतिरोध करती है कि आज तो किसी भी सूरत में जाना नहीं हो सकता। इस पर वंशीधर उसे बताता है कि तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। इनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बुन कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। जानकी देवी कहती है कि मुझे नवल किशोर के द्वारा किया जाने वाला हंसी ठट्टा बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लगता, वह बात बात में हमारी मजाक उड़ाता है। वर्षीधर उसे बताता है कि मित्रता में यह सब तो चलता ही रहता है। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए गाड़ी या इक्का लाने की बात उठती है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं होने पर वंशीधर खुद ही सवारी लेने जाता है। पालकी गाड़ी वाले ने जब 1.5 रुपया किराया मांगा तब उन्हें इक्के से ही काम चलाना पड़ा। सिकरौल के स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रोती हुई जानकी अब सामान्य हो चुकी थी। वंशीधर ने अपनी धोती देखकर जब यह कहा कि वह देशी धोती की जगह गलती से विलायती धोती पहनकर आ गए हैं और इसे देखकर नवल किशोर दो चार बातें सुनाए बिना नहीं रहेगा, तब जानकी ने अपनी भवें टेढ़ी करके कहा कि ओह धोती तो धोती, पहनने से काम, यह क्या बुरी है। इक्के में बैठकर आए थे तो इक्के वाले ने कहा कि टिकट इधर से ही लेते जाइए, इधर तीसरे दर्जे का टिकट मिलता है, उधर द्योड़े दर्जे का टिकट मिलेगा। वंशीधर ने कहा कि अगर मैं द्योड़े दर्जे का टिकट लूँ तो, यह सुनकर इक्के वाला चुप हो गया। यथासमय रेल पर बैठकर वंशीधर अपनी पत्नी के साथ राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंच गए। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। इस समय वे नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते ही आने वाली गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ने लगा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चल पाया। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु कहीं भी उन्हें नवल नहीं मिला। अंत में वे खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और खुद नहीं आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जब जानकी यह सब सुनेगी तो वह मुझ पर ताने पर ताना मारेगी, पर अब कुछ और सोचने का समय नहीं था उनके पास। वंशीधर ने अपनी पत्नी जानकी देवी को रेल के जनाने डिब्बे में बिठाया। जब जानकी ने वंशीधर से पूछा कि नवल की बहू कहाँ है, तब वंशीधर ने कहा कि वह नहीं आए, हो सकता है कोई अटकाव हो गया। इतना कहकर वे पास के बगल वाले डिब्बे में जा बैठे। हालांकि उनके पास द्योड़े दर्जे का टिकट था, किंतु डिब्बे में अधिक भीड़ होने से वे तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही बैठ गए।
देखते ही देखते रेलगाड़ी समय पर छूटकर मिर्जापुर पहुंच गई। जल्दबाजी में आने के कारण वे अपनी ससुराल में कुछ खाकर नहीं आए थे, इसलिए मिर्जापुर पहुंचते ही उन्हें भूख लगी। प्लेटफार्म पर हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़ियाँ और मिठाई लेकर उन्होंने उन्हें अपने निराले अंदाज में अपने पेट तक के ठिकाने पहुंचाया। जानकी की सुध आने पर उन्होंने उससे जाकर पूछा कि क्या वह भी कुछ खाएगी, किंतु उसने मना कर दिया। वंशीधर जब अपने डिब्बे में वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उस डिब्बे में दो एक मुसाफिर अधिक बैठे हुए हैं। उन्होंने महसूस किया कि उन सारे लोगों में सभ्य तो वही दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस डिब्बे में एक भले घर की स्त्री बैठी हुई है। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ में लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा कि इसके साथ वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके वह अपना समय बिताएंगे, किंतु जब रेल के चलने की तीसरी घंटी भी बजी तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री कुछ अचकचा गई है और अपना थोड़ा सा मुँह खोलकर जंगले से बाहर देखने लगी है। गाड़ी के छूटते ही जैसे वह कांप उठी और बाहर की ओर ही देखती रही और फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस डिब्बे में तीन चार प्रौढ़ उम्र की ग्रामीण महिलाएं भी थीं, जो मिर्जापुरी बोली में आपस में बात कर उस महिला के प्रति चिंता प्रकट कर रही थी। उन महिलाओं की बातों को सुनकर डिब्बे वाले लोग हंसते हुए उस अकेली अबला की समस्या पर दुख प्रकट करने लगे। बात टिकट की भी हो रही थी। कहानी में कार्य की यह अवस्था के अनुसार चरम स्थिति है। डिब्बे वालों की बेसिर पैर की बातें सुनते हुए वंशीधर ऊब जाते हैं और उन महिलाओं से कहते हैं कि तुम नाहक ही इसे डरा रही हो, इलाहाबाद में तार आ गया होगा और वे दूसरी गाड़ी से वहां पहुंच जाएंगे, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए इसके साथ स्टेशन पर ठहर जाना, यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं भी इनके ठहरने के स्थान तक इन्हें पहुंचा दूंगा। वंशीधर की बातों को सुनकर कुछ लोग आश्वस्त हुए और कुछ के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं यह अकेली औरत को देखकर उसके गहने न लूट ले। उस डिब्बे में जितने भी मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े हुए अकेले बैठी थी वह कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक लेती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। उसे देखकर वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर इसका आचरण अच्छा नहीं दिखता। इलाहाबाद के निकट पहुंचने की स्थिति में वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रप्पू चक्कर हो जाएगा। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था जिसने खुल्लम खुला कहा कि का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात को सुनकर वंशीधर ने उसे धमकाया। इलाहाबाद में उतरने के बाद वंशीधर ने एक बुढ़िया को उस महिला के पास बिठाया और खुद जानकी को उतारने के लिए गए। किस्सा सुनकर जानकी ने कहा कि अरे जाने भी दो, किस बकेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने जानकी और उस भद्र महिला को एक स्थान पर बैठाकर स्टेशन मास्टर के पास जाकर तार की जानकारी ली। लौटने पर उन्होंने पाया कि वहां न तो वह भद्र महिला है और न ही जानकी। घबराए हुए वंशीधर ने चारों तरफ देखा और मन में सोचा कि आज किस बुरी सईद अर्थात मुहूर्त में घर से निकले हैं कि एक के बाद एक दूसरी आपत में फंसते ही चले जा रहे हैं। इतने में उन्होंने अपने सामने उस दुलाई वाली महिला को आते हुए देखा। जब बंसीधर ने उस दुलाई वाली को कहा कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, यह सुनकर उस दुलाई वाली ने दुलाई से अपना मुंह खोला। वह निवल किशोर था और खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने बताया कि वह तो शुरू से ही अर्थात मुगल सराय से ही उनके साथ है और उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था। उसने कहा कि अच्छा अब चलो, जो हुआ माफ़ कर दो। इसी तरह
बात करते हुए वे दोनों मित्र गाड़ी के पास आ गए। उस गाड़ी में उन दोनों की पत्नियां बैठी हुई थी। जानकी नवल की बहू से कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। कार्य की अवस्थाओं में यह फलागम की स्थिति है। कहानी के अंत में रचनाकार बंग महिला ने लिखा कि खैर ये दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। देश काल और परिस्थिति की दृष्टि से आलोच्य कहानी एक सफल कहानी है। कहानी का प्रारंभ बनारस से होता है और अंत इलाहाबाद में। बीच में मुगल सराय और मिर्जापुर के प्रसंग भी आते हैं। रचनाकार ने स्थानों के संदर्भों का बहुत सुंदर उपयोग किया है, जैसे काशी जी के दशाश्वमेघ घाट, गौदोलिया, मुगल सराय, कलकत्ता, सिकरौल, राजघाट आदि। यह कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई थी। कहानी में जिन घटनाओं, परिस्थितियों और मानसिकता का चित्रण हुआ है वह कहानी के रचनाकाल के आसपास की है। तत्कालीन रेलवे स्टेशन, तार, इक्का, घोड़ागाड़ी, खोमचे वाला इत्यादि प्रसंग कथा की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। सच तो यह है कि इस कहानी में काशी के लोगों की दिनचर्या, स्थानों के साथ साथ रेल में बैठे हुए मुसाफिरों का भी सजीव वर्णन किया गया है। यह कहानी एक मनोरंजक कहानी है, इसलिए इसका घटनाक्रम भी इसी उद्देश्य के आसपास अनुवर्तित हुआ है। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला की कहानी धुलाई वाली के अंतर्गत हिंदी कहानी का प्रारंभिक विकास, बंग महिला का जीवन परिचय और उनके कृतित्व पर विचार करते हुए धुलाई वाली की कथावस्तु तथा देश काल और परिस्थिति को रेखांकित किया गया है। कार्यक्रम के अगले भाग में आलोच्य कहानी की अन्य विशेषताओं के साथ कुछ प्रमुख चयनित गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।